तो चुनाव के बाद जिसका डर था वही हुआ। नीतीश कुमार ने कांट छांट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये अंदेशा चुनाव के समय ही हो गया था कि अगर नीतीश कुमार सत्ता में आए तो कुछ बड़े बदलाव कर सकते हैं। सो नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत कर दी। फरमान तब होता ना जो बिहार सर्विस कोड हम बनाते। चीख पों जो मचा रहे हैं लोग, उनको यह बताना चाहिए कि बिहार सर्विस कोड का निर्माण किसने किया है और बिहार सर्विस कोड के प्रावधान के तहत जिनके जिनकी दक्षता पर सवाल है, जो जिनका जो आचार है वो सेवा में बनाए रखना न्याय संगत नहीं है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं हो, इस संबंध में कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी के तयशुदा प्रावधान होंगे। उस प्रावधान के तहत अपनी बात कहने का अधिकार होगा। इसको जबरिया रिटायरमेंट का जो नजारा पेश किया जा रहा विपक्ष की ओर से, यह बेबुनियाद है। यह सीधे तौर पर और यह संकल्प भी पहले से निकला हुआ है और जबरिया नौकरी से रिटायर कर देगी। कैसे नौकरी से कोई रिटायर कर देगा? बिहार में लोग और देश के अंदर लोकतंत्र है, संविधान है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, सबके। सरकार पर यह आरोप भी लगा कि सरकार ने ऐसे शिक्षकों को नौकरी पर रख लिया जिन्हें खुद पढ़ाना नहीं आते हैं। ऐसे में बिहार के गरीब लोगों के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जाहिर है नीतीश कुमार जब सत्ता में आए तो उन्होंने एक तरह से पहले ही ये संकेत दे दिया था कि इस बार वो रहम करने के मूड में नहीं है। सरकार के नए फरमान के मुताबिक जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हें अब नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा सरकार की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उससे पता चल रहा है। सरकार ने ये गाइडलाइन ना सिर्फ शिक्षकों के लिए बल्कि 50 साल से ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए भी जारी कर दिया है जो अभी नौकरी कर रहे हैं और अनफिट हैं। ऐसे लोगों की भी नौकरी जा सकती है, उन्हें जबरन रिटायरमेंट दिया जा सकता है। अब चूंकि ये फैसला बड़ा है तो इस पर सियासत भी बिहार में शुरू हो गई है, क्योंकि सियासत तो बिहार के रग रग में बसता है। ये सरकार का ये तुगलकी फरमान है, सरकार तो रोजगार नहीं दे रही है और जो रोजगार है उसको छीन रही है। तो सरकार को अगर यही पैमाना है कि 50 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग अक्षम हैं, इस आधार पर उसको नौकरी से वंचित कर दिया जाए, हटा दिया जाए, तो सरकार का ये तुगलकी फरमान सिर्फ अधिकारियों और कर्मियों पर क्यों है? सरकार में बैठे लोग भी उनसे बिहार नहीं संभल रहा है, ये सरकार में बैठे लोग अक्षम हैं। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को कुर्सी छोड़ना चाहिए, डिप्टी सीएम हो चाहे सरकार में बैठे लोग हैं। इसलिए सरकार सिर्फ नौकरशाहों के लिए और सेवा कर्मियों के लिए उनको वंचित करेगी नौकरी से। ऐसा राज्य है जहां हर चीज में राजनीति होनी बेहद जरूरी हो जाता है। अब नीतीश कुमार के इस फैसले पर राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल उन तमाम सरकारी कर्मियों का है जो कर्मी आज की तारीख में चाहे वो नियोजित हो या फिर अस्थाई हो, वो सरकारी नौकरी में तो हैं। अगर उन्हें नौकरी से हटाया गया तो फिर उनका क्या होगा, उनके परिवार का क्या होगा? शायद इस पर बहस करने को अभी कोई फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन एक बात तो साफ है कि सियासत के इस खेल में आम लोग ही पिसते हैं और अभी इससे कुछ अलग होता बिहार में नहीं दिखाई दे रहा है।